उन मसालों में क्या था, तेल भी अपने साथ लिए हुए थी, वो पूरी तरीके से तैयार थी, कहने का मतलब है। और जो पूरी तरीके से तैयार थी वो बुद्धिमान थी, और जो बुद्धिमान थी वही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 4 पद के दूसरे भाग में हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा के विषय में, 7 आत्माओं के विषय में। पिछले संदेश में हमने सीखा था यशाया 11 अध्याय उसके 2 पद में जो 7 आत्माओं का जिक्र किया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो उतरी थी, जो प्रभु यीशु मसीह उन 7 आत्माओं के या आत्मा के उन 7 गुणों से जो परिपूर्ण था, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए यशाया कहता है। परंतु उन 7 आत्माओं का वर्णन जो है आज भी कार्य करता है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और कैसे कार्य करता है हमारे जीवन में, इसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था परमेश्वर की आत्मा यानी यहोवा की आत्मा के विषय में। आज हम सीखेंगे बुद्धि की आत्मा के विषय में कि बुद्धि की आत्मा जो है वो क्या है। जब हम यशाया 11 अध्याय उसके 2 ही पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा और उसके बाद लिखा है बुद्धि और समझ का आत्मा। मगर आज हम बात करेंगे बुद्धि के आत्मा के विषय में कि बुद्धि का आत्मा क्या है और बुद्धि का आत्मा जो है वो कार्य कैसे करता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 8 अध्याय उसका 1 से 36 पद तक। नीति वचन 8 अध्याय 1 से 36 पद तक। अब महत्वपूर्ण सभी पद हैं, परंतु मैं इसके मुख्य पदों को लेकर आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि अगर सारे पद को लेकर बातचीत करूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और हो सकता है कि आपको ठीक से समझ में भी ना आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की इस बुद्धि की आत्मा के विषय में ठीक से समझ में आए। सबसे पहले नीति वचन 8 का 1 और 4 पद में आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहले पद में लिखा हुआ है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती। 4 पद में है, हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बातें सब आदमियों के लिए हैं। अब यहां बुद्धि की जो बात हो रही है, बुद्धि की आत्मा की जो बात हो रही है, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि हर एक मनुष्य को पुकारती है, हर एक मनुष्य को आवाज देकर पुकारती है कि मेरी सुनो, मुझे अपनाओ, मुझे ग्रहण करो। यदि आप मेरी नहीं सुनेंगे, मुझे नहीं अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, उस बुद्धि की आत्मा का कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन नरकीय बन जाएगा, हमारा जीवन जो है वो नरकीय बन जाता है अगर हम बुद्धि की आत्मा की बात को नहीं सुनते हैं या बुद्धि के अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या है, बुद्धि जो है बहुत सी बातें करती है, बुद्धि की आत्मा की बहुत सी बातें हैं। यहां पर नीति वचन 8 अध्याय उसका 6 से 8 पद तक पढ़ रहा हूं, यानी छठा पद 7वां पद और 8वां पद। यहां लिखा, 6 पद में लिखा है, सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। 7वां पद है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातें मुझसे मुझे घृणा आती है, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है। 8वां है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं निकलती। जब हम परमेश्वर की इस बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, तो हमारे अंदर से बातें जो होती हैं, उन बातों का जो वर्णन होता है वो अलग किस्म की बातें हो जाती हैं। फिर वो संसारिक बातें नहीं रहती हैं, फिर वो सारी आत्मिक बातें हो जाती हैं। कौन सी बातें हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या लिखा है, उत्तम बातें निकलती हैं, सीधी बातें निकलती हैं, सच्चाई की बातें निकलती हैं और धर्म की बातें निकलती हैं। फिर जब बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर आती है तो किन बातों से हमें घृणा हो जाती है, दुष्टता की बातों से, टेढ़ी बातों से और उलट फेर की बातों से जो है हमें घृणा हो जाती है। फिर हम ये जो बातें होती हैं, ये बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम किससे परिपूर्ण हैं, हम बुद्धि से परिपूर्ण हैं। देखिए, कोई मनुष्य अगर ये कहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है और बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि का आत्मा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है, तो वो बुद्धि की आत्मा से आप इस तरीके से जांच लेंगे उसकी बातों से। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि इंसान अपने मुख की बातों से परखा जाता है कि उसके मुंह से निकल कैसी बातें रही हैं, है? कौन सी बातें निकल रही हैं, तो वो बातें हम ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं कि हमारे अंदर बुद्धि की आत्मा है या नहीं है।
और जिसके अंदर बुद्धि की आत्मा होती है उससे उसके अंदर से अलग किस्म की यानी संसारिक नहीं आत्मिक बातें निकलती हैं और वो आत्मिक बातों पर फोकस करता है। मगर आप एक बात ध्यान रखें, शैतान जो है, जैसा पतरस कहता ना, जब पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है शैतान जो है गरजने वाले सी के नाई जो है फाड़ खाने के लिए हमें ढूंढता रहता है, और खास तौर से उन लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं या परमेश्वर की आत्मा में होकर चलते हैं या परमेश्वर की आत्मा में होकर उन उत्तम बातों को, उन स्वर्गीय बातों को अपने मुंह से बखान करते हैं और अच्छी अच्छी बातों को निकालने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वो शैतान ये नहीं चाहता है कि उनके मुख से कोई भी ऐसी उत्तम बातें निकले, वो चाहता है कुछ ना कुछ ऐसा हो कि इनके मुंह से कुछ गलत निकले और लोगों पर गलत असर पड़े। और इसलिए शैतान जो है हमारे जीवन में, जानते हैं कि हमारे जीवन के किस भाग पर सबसे पहले अटैक करता है, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा कि शैतान जो है, जब हमें ये पता होना चाहिए कि शैतान हम पर, हमारे जीवन पर या हमारे शरीर के इस अंग पर या हमारे जीवन के इस भाग पर अटैक करेगा, तो हमें अलर्ट होना चाहिए और हमें अपना बचाव रखना चाहिए। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में क्या लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जी हाँ, क्यों? सबसे पहले वो बुद्धि पे अटैक करता है, और खास तौर से जरा सा अविश्वास हमारे अंदर आता है या अविश्वासी लोग होते हैं और वो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में आना चाहते हैं, तो उनकी बुद्धि पे अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? ताकि यीशु मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका जो तेजोमय सुसमाचार, देखिए ये जो सुसमाचार हमें दिया गया है ये तेजोमय सुसमाचार है, जब इसकी बातें हमारे अंदर आती हैं और जब इसकी बातें हमारे मुख से बाहर निकलती हैं तो ये तेजोमय जो सुसमाचार है ये अपना कार्य जो है प्रकट करता है, सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, सामर्थ्य के कार्य देखने को मिलते हैं जब ये हमारे अंदर से निकलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान यही नहीं चाहता है, इसलिए वो उस बुद्धि पर जो है वो अटैक करता है और उसको अंधी बनाता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है बुद्धि की वैल्यू जो है, इंपॉर्टेंस जो है, महत्व क्या महत्व है, किन चीजों से हम आंकेंगे, सोने से, चांदी से या बहुमूल्य वस्तुओं से, उसका मूल्य क्या है? देखिए बहुत उसका मूल्य जो है वो बताया गया है, यहाँ लिखा हुआ है नीति वचन 8:10-11 में पढ़ रहा हूं, यहाँ लिखा है चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उस उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। 11 क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चांदी यानी चांदी की कोई वैल्यू नहीं है बुद्धि बुद्धि की आत्मा के आगे। उत्तम कुंदन का मतलब होता है खारा सोना, यानी प्योर सोना जो होता है, प्योर सोना यानी खारा सोने की भी कोई वैल्यू नहीं है बुद्धि की आत्मा के आगे। यदि बुद्धि की आत्मा से आप परिपूर्ण है तो ये सोच लीजिए कि आप बहुत मूल्यवान हैं और आपका कोई मूल्य नहीं है, और उत्तम जो सोना है, जो खरा सोना है, उसका कोई मूल्य नहीं है आपके आगे। मूंगे उसको बोलते हैं, मणि को बोलते हैं, मणि लिखा हुआ है उसको लाल मणि भी आप कह सकते हैं, यानी कीमती मणि होता है वो, बहुत ही कीमती मणि होता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है जिसके पास बुद्धि की आत्मा है, और बुद्धि की आत्मा से जो भरा हुआ है वो बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति है। फिर लिखा सारी मनभावनी वस्तुओं, सारी मनभावनी वस्तुओं का मतलब होता है हमारे जीवन की सब जरूरतों में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो बुद्धि से उत्तम हो। इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, बहुमूल्य चीज नहीं है जो बुद्धि से उत्तम हो, जो बुद्धि की आत्मा से उत्तम हो, और जो बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण है तो सोच लीजिए वो कितना उत्तम है। परमेश्वर कह रहा है कि उसकी क्या वैल्यू है परमेश्वर की नजरों में, संसारिक लोगों या संसार की नजरों की बात नहीं करें, परमेश्वर की नजरों में उसकी क्या वैल्यू है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धि का ये आरंभ कहाँ हुआ। नीति वचन 8:22 में लिखा है यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया है। यहां पर देखिए परमेश्वर ने यानी आरंभ से, जब आपने देखा ना, हमने अभी पढ़ा था पिछले उसमें भी हमने देखा था कि संदेश में परमेश्वर का वचन कहता है कि उत्पत्ति
एक अध्याय उसके दो पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडा रहा था। उस समय कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि क्या था, पूरी पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। वो बुद्धि का आत्मा उस समय से भी एक जो है परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर के साथ कार्य कर रहा है। सृष्टि की रचना के समय से वो एक कारीगर के रूप में है। हालांकि नीति वचन 8 और उसका 23 पद से लेकर 30 पद तक मैं सभी पदों के बारे में वर्णन नहीं करूंगा, परंतु इन 8 जब आप पदों को पढ़ेंगे, इन जब पदों को पढ़ेंगे 23 पद से लेकर 30 पद तक पढ़ेंगे, नीति वचन 8 के अध्याय के 23 पद से लेकर 30 पद तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है जल के सोते भी नहीं थे और क्या कहते हैं भूमि के अणु भी नहीं थे, परमाणु जो भूमि के छोटे छोटे कण होते वो भी नहीं थे, पहाड़ियां नहीं थी, पहाड़ नहीं थे, और जल के सोते भी नहीं थे, समुन्द्र भी नहीं था, पानी की बूंद भी नहीं थी, यानी ये कुछ भी नहीं था। उस समय से जो है बुद्धि का आत्मा जो है परमेश्वर के साथ है, और जब जल बनाया गया, देखिए जल भी परमेश्वर ने बनाया और पृथ्वी भी पहले से बनाकर परमेश्वर ने रखी। कब बनाया गया, किस समय बनाया गया, इसका कोई समय नहीं है और इसमें डिस्कस करने से कोई फायदा भी नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि बुद्धि की आत्मा इस बात का वर्णन करती है कि जब जल भी नहीं था, कुछ पहाड़ियां भी नहीं थी, और भूमि के जो है यानी मिट्टी के जो कण है वो भी नहीं थे, और वो सब उसके सामने और क्या कहते हैं उसने मिलकर परमेश्वर के साथ बनाया है। 30वां पद जो है मैं पढ़ना चाहूंगा, यहां पर नीति वचन 8 का 30 पद है, यहां देखेंगे। तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन और उसकी प्रशंसा थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। यानी यहां बुद्धि की आत्मा कह रही मैं कारीगर के रूप में परमेश्वर के समक्ष उपस्थित थी। और कारीगर का मतलब क्या होता है भाई, कारीगर का मतलब कार्य करने वाला, यानी वो कार्य कर रही थी। किस चीज में कार्य कर रही थी, वो पानी, जब पानी परमेश्वर बना रहा था तो पानी बनाने में परमेश्वर के कार्य में लगी हुई थी, परमेश्वर के साथ कार्य में लगी हुई थी। जब वो पहाड़ियां बना रहा था तब वो कार्य में लगी हुई थी, जब वो भूमि के मिट्टी के कणों को बना रहा था तब वो कार्य में लगी हुई थी, यानी परमेश्वर के कार्य में ये बुद्धि की आत्मा जो लगी हुई थी। जब आप आकाश को देखेंगे ना, लिखा है ना भजन संहिता 24 का जब पहला पद पढ़ेंगे कि आकाश मंडल जो है उसकी हस्तकला का वर्णन करता है, यानी परमेश्वर ने किस तरीके से सजा के रखा, किस तरीके से एक भी संसार को जब देखें और जब आकाश में ऊपर सृष्टि अपनी दृष्टि डालें, अपनी दृष्टि को जब ऊपर देखेंगे, डालेंगे दृष्टि आकाश पे, तो कैसे हर चीज सेटिंग करी हुई रखी गई है। ऐसे लग रहा है कि किसी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ इसको सिर्जा है, इसको बनाया है और बड़ी बुद्धिमानी के साथ सेट करके इसको रखा हुआ है। तो ये बुद्धि जो है, बुद्धि की आत्मा है, ये इसी के द्वारा सारी चीज जो है इस संसार में जो देखने को मिलती है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये सारी चीजों की सेटिंग जो है वो इस बुद्धि की आत्मा के द्वारा की गई है, जो परमेश्वर का आत्मा कहलाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये सब आत्मा, अगर बस ये 7 आत्माओं के बारे में ऐसे ही बता के चला जाता तो आपको शायद ये भेद की जो बातें हैं, ये जो गुण बातें हैं, ये आपको नहीं मिलती और ये देखने को नहीं मिलता। हाँ सही बात है, हर चीज को जब देखते हैं बुद्धि की आत्मा ने बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। और जैसे हमने पिछले संदेश में भी देखा कि अय्यूब क्या कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। जी हाँ, परमेश्वर की आत्मा ने जो है हमें बनाया है, यहाँ लिखा है। फिर क्या लिखिए, बुद्धि के आत्मा के बारे में और भी बातें लिखी हैं कि बुद्धि की आत्मा को किन बातों से सुख मिलता है। ये बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें कार्य करता है, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो है, हमारे द्वारा जो है परमेश्वर के आत्मा को, उस बुद्धि के आत्मा को जो है वो सुख मिलना चाहिए। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 31 और 34 पद है, 31 पद में लिखा है, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। और यहां लिखा हुआ है, जो मेरी सुनता है वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। अब यहां देखिए, बुद्धि की आत्मा को खुशी मिलती है या सुख मिलता है, किन बातों से सुख मिलता है, अब यहां बातें जरा हम ध्यान कर लेते हैं। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा और वो बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर है, तो उस बुद्धि की आत्मा को कैसे हम सुख दे सकते हैं, कैसे हम उसे खुश रख सकते हैं,
सबसे पहली बात, बुद्धि की आत्मा कैसे खुश रहती है, कैसे उसे सुख मिलता है, जब मनुष्य उसके साथ संगति करता है, जब मनुष्य उसकी संगति में रहता है। और 33 पद को जब आप इसका पढ़ेंगे, नीति वचन 8 का 33 पद पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है जो उसके विषय में अनसुनी नहीं करता, यानी बुद्धि की आत्मा के विषय में जो अनसुनी नहीं करते हैं, सुनते हैं उसकी बात को, मानते हैं उसकी बात को, उससे उसे सुख मिलता है और वो खुश होती है। तीसरा है जो प्रतिदिन उसकी ड्योढ़ी, यानी ड्योढ़ी का मतलब होता है चौखट पर खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। और चौथा है जो उसके द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहते हैं। देखिए इन बातों से जो है परमेश्वर के उस बुद्धि की आत्मा को जो है सुख और शांति मिलती है कि मनुष्य जो है वो मेरे पास आ रहा, मेरी संगति कर रहा, मेरी सुन रहा है और मेरी चौखट पे खड़ा हुआ है और वो इधर उधर नहीं जा रहा है कहीं पे। और लिखा हुआ है द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए। अब ये जो द्वार के पास जो खंभे हैं ये क्या है? देखिए एक आध खंभा नहीं है, यहां पर लिखा खंभों के पास। नीति वचन 9 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बुद्धि ने अपना घर बनाया और सात खंभे खड़े, ये सात खंभे, यानी अब वहां पर भी हम बुद्धि की बात कर रहे हैं और नीति वचन 9 के पहले पद में भी बात बुद्धि की आत्मा की हो रही है, किसी और की नहीं। यानी उसने अपने द्वार पर क्या है, सात खंभे खड़े करके रखे हुए हैं। और वो सात खंभे कौन से हैं? यशायाह 11 अध्याय और जब उसके 2 पद को पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा है कि वहां सात आत्माएं हैं और वो सब जानते हैं, वो जो सात आत्माओं का वर्णन है यही हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे आत्मिक घर को बनाता है। जिसके जो ये कहता है कि मैं जो हूं परमेश्वर का आत्मिक घर हूं, तो उस आत्मिक घर पर क्या है, परमेश्वर के ये सात खंभे गड़े होंगे। पहला पत्रस 2:5 में लिखा हुआ है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याचकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हम क्या बनते चले जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक घर बनते चले जाते हैं। कौन सा आत्मिक घर बनते चले जाते हैं? जब आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 पद पढ़ेंगे, जब आप पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं? और पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या वो पवित्र आत्मा का मंदिर, वो बुद्धि का मंदिर है। और ये मंदिर जो मैं और आप हैं, ये मंदिर जो है सात परमेश्वर की सात आत्माओं के ऊपर जो है खड़ा है, सात इसके द्वार पर जो है ये सात आत्माएं होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ 2 ही आत्मा के बारे में सीखा है, एक तो यहोवा की आत्मा के विषय में और आज सीख रहे हैं बुद्धि की आत्मा के विषय में। अभी 5 और आत्माओं के विषय में सीखेंगे कि कैसे हमारे हम जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में जो है कैसे ये सब आत्माएं जो है वो होनी चाहिए। आखिर में यहां पर है नीति वचन 8:35 में लिखा हुआ है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है और परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर किससे खुश है? परमेश्वर आज किससे प्रसन्न है? जिसके पास बुद्धि की आत्मा है, जिसके पास परमेश्वर की जो बुद्धि की आत्मा है और वो बुद्धि की आत्मा जिस मनुष्य के पास है, जिस मनुष्य के अंदर है, जिस मनुष्य पे बुद्धि की आत्मा उतरी है, तो वो क्या चल रहा है कि वो बुद्धिमानी के साथ चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि ने अपना घर कहाँ बनाया? जब आप मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पद से पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पे बनाया। जी हाँ, जब चट्टान पे, हमारी चट्टान कौन है? जब आप पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे, लिखा हुआ है हमारी चट्टान जो है वो मसीह है, यानी मसीह के ऊपर हमारा घर बना हुआ है जो कभी गिर नहीं सकता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो बुद्धिमान थी उनके पास से मसाले थी और उन मसालों में क्या था, तेल भी अपने साथ लिए हुए थी, वो पूरी तरीके से तैयार थी, कहने का मतलब है। और जो पूरी तरीके से तैयार थी वो बुद्धिमान थी, और जो बुद्धिमान थी वही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगी। वहां पर जो दृष्टांत दिया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चली गई, कौन सी? जो बुद्धिमान थी, मूर्ख नहीं गई है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम परमेश्वर की उस बुद्धि की आत्मा से भर जाएं।
ताकि हम बुद्धिमान बने। और जब प्रभु यीशु मसीह आए और हमें उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान देखे तो अपने साथ स्वर्ग में ले जाए, हम इधर उधर ना भटके। और जब हम बुद्धिमान होते हैं तो परमेश्वर को इस बात से बहुत खुशी मिलती है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को खुश रखें, 24 घंटे खुश रहें। 24 घंटे खुश रखने का मतलब है कि परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा से 24 घंटे भरे रहें। इस बुद्धि की आत्मा को ग्रहण करें ताकि परमेश्वर खुश रहे और हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।